Hello classmates, hope you all are well and you have completed the first chapter on reading questions. ठीक है, तीनों reading questions आई होप कि सबने कर लिया होगा. मैंने homework दे दिया है, सब कुछ सारा topic उसमें covered है और आपको अब बस जो exercise है उसमें एक ही exercise है, उसको solve करके अपनी copy submit करनी है आपको office में till date 21st of July. ठीक है, 21st जुलाई के पहले आपको कॉपियां सबमिट करनी है या तब लास्ट डेट 21st जुलाई है, तो तब तक आप अपनी कॉपीज जो है वो कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए, यहां पर चेक कर दी जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये नाम है अगला चैप्टर है क्वाड्रेंटिक इक्वेशंस. अब क्वाड्रेंटिक इक्वेशंस क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेंटिक इक्वेशन? तो ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर पावर हाईएस्ट पावर जो है इक्वेशन का क्या है, टू है. हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री, डिग्री ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी टू. ठीक है, तो वो जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. और अब इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब कहेंगे सर यहाँ पर ए के प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पर ए के प्लेस पर वन है. ठीक है, कोई नंबर नहीं है का मतलब दैट इज मल्टीप्लाइड विथ वन, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विथ वन. यहाँ पर b के प्लेस पे 7 है, एक्चुअली दिस इज माइनस 7. ठीक है, b के प्लेस पे माइनस 7 है और c जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज 12. ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे. अब ये इक्वेशन तो समझ लिया, अब इसका सॉल्यूशन भी होता है और इसके सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, रूट्स, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो नंबर मतलब जो होता है जो सॉल्यूशन, जैसे एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. अगर इसमें कोई वैल्यू एक्स के प्लेस पे कोई वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाए, लेट अल्फा इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं अल्फा अलग रखता हूँ, इफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर इसमें अल्फा वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन जीरो के इक्विवेलेंट आ जाता है, तो अल्फा जो होगा अल्फा को रूट ऑफ दिस इक्वेशन कहा जाएगा, मतलब रूट मीन सॉल्यूशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का मतलब सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा. ठीक है, अब मान लो इसमें क्या कहूँ कि मैं फोर, अगर मैं फोर सबमिट रखता हूँ उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा फोर स्क्वायर माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एंड माइनस फोर दिस विल बी माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो. तो ये जीरो जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब ये फोर जो है वो एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. ठीक है, तो फोर इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अब बात करते हैं सॉल्यूशन सेट की. सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि जितने भी रूट्स होंगे द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स जितने भी रूट्स होंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे उसके क्या कहे जाएंगे, सॉल्यूशन सेट कहे जाएंगे. जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू आता है टू एंड माइनस फोर, तो सॉल्यूशन सेट विल बी रिटेन एज. ये आपको अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बेटर समझ में आएगा. ठीक है, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू टू एंड माइनस फोर.
ठीक है, यही है आपका सोल्यूशन सेट। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट लिखा जाता है, वो क्वेश्चंस करने पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला है जीरो प्रोडक्ट रूल। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जीरो प्रोडक्ट रूल। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स दो दो जो एलिमेंट्स होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करके उसको उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे एंड दो एलिमेंट्स विल बी इक्विवेलेंट टू जीरो। तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो देन ए विल बी इक्वल टू जीरो और बी विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी एक जीरो होगा तभी तो मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा, ठीक है। तो वही जीरो प्रोडक्ट रूल होता है कि अगर दो चीजें दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर्स या दो कोई भी इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों में से एक इक्वेशन या फिर एक नंबर जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा। इसको क्या कहते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल कहते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे दिया है क्वेश्चन 3x² + 10x = 25। अब कहेंगे सर ये तो x² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, ये उसी फॉर्म में ये 25 जो एलिमेंट है जो इक्वल के उस तरफ है, इसको हमें इक्वल के किस तरफ लेकर आना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 3x² + 10x - 25 = 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ax² + bx + c, c के प्लेस पे क्या हुआ, -25 हुआ। तो ये अब इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब मेथड क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, कि आपको जो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, तो फैक्टराइजेशन में आपने देखा होगा कि कैसे फैक्टराइज करते हैं इसके और इसके प्रोडक्ट को। हम फैक्टराइज करते हैं इस तरह से ग्रुपिंग करने के बाद कि मिड टर्म का सम और ये प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर 25 और 3 क्या होंगे, -75, ठीक है। अब ये -75 आ रहा है तो इसको हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है कि यहाँ पर मिड टर्म में +10 आ जाए। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो सबसे पहले तो माइनस को कंसीडर मत करो, इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर 3 से कैंसिल होगा तो 25 आएगा, फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब इसको ये तीन नंबर्स हमें इसके फैक्टर्स के रूप में मिले हैं 75 के। अब इसको इस तरह से ग्रुपिंग करना है कि ये मिड टर्म जो है सम जो है 10 आ जाए, +10 आना चाहिए। देखो साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारा प्रोडक्ट माइनस में आना चाहिए और सम प्लस में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 5 3 15 15 में से अगर मैं 5 सबट्रैक्ट कर दूँ तो 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप कैसे करेगा, 15 एंड 5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है, 15 एंड 5 का ग्रुप बनेगा। अब इसमें एक को मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, किसको नेगेटिव करूँगा, वो यहाँ इस पर डिसाइड, यहाँ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव में चाहिए आंसर, तो मुझे बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो ये +15 होगा और ये -5 होगा। तो देखो 3x² + 15x - 5x - 25 = 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा है कॉमन लेकर क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहां से मुझे 3x कॉमन मिल रहा है, तो ये 3x कॉमन होगा और यहां पर क्या बचेगा, x + 5। ध्यान रखना इस ब्रैकेट में जो आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तभी हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूंगा, -5 को,
5 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें x प्लस 5 जो है उसको मैं फिर से कॉमन ले सकता हूँ, दोनों जगह पर है कॉमन कॉमन टर्म, और फिर अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। जीरो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से क्या मिल रहा है हमें, x इज इक्वल टू माइनस 5 और यहां पर 3x रखेंगे 5 इस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो यहां पर मुझे x की दो वैल्यूज मिली है, एक तो मिला है 5 और दूसरा मिला है 5/3, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, हमें दो वैल्यूज मिली है, सॉल्यूशन सेट भी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 5/5/3, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे दिया हुआ होता है, ये इक्वल के बाद वाला टर्म याद रखना, इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ax² + bx + c। यहाँ पर प्लस सी, सी की वैल्यू -25 है, बी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है इसी मेथड को फॉलो करके। अब एक और टाइप देख लो, इसके बाद सेकेंड वन इज x² इज इक्वल टू 3x। अब कहेंगे सर ये तो उस फॉर्म में है ही नहीं, इसमें तो सी टर्म ही नहीं है। देखो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ये हो गया x² - 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे दो टर्म मिल गए हैं, एक है x² और एक है -3x। इसमें सी वाला टर्म अब्सेंट है, तो सी वाला टर्म क्या है, 0 है, ठीक है। यहां से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, मुझे कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं दोनों में, आई कैन टेक कॉमन एज x, सो इन द ब्रैकेट देयर विल बी रिमेनिंग x - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल वी हैव x इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे x इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 0 और x - 3 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट x दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 + 3। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट इज जीरो एंड 3, ठीक है। दोनों नंबर सॉल्यूशन सेट हैं आपके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है। चलो एक और टाइप देखते हैं। कभी कभी कंडीशन दिया हुआ होता है कि इसका वैल्यू सिर्फ कुछ कैटेगरीज में बिलोंग करेगा, मीन्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा या फिर होल नंबर में बिलोंग करेगा, तो वहां पर आपको वैल्यूज निकालने समय ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यूज में बिलोंग करती है, ठीक है। अगर दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया है और कहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और आपका सॉल्यूशन सेट आ रहा है -1 and 4, ठीक है, x की वैल्यू, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट विल बी ओनली 4, क्यों,
क्योंकि here it is given that x belongs to natural number. Now if x belongs to natural number, then minus 1 is not included in natural number because minus 1 is an integer. ठीक है, तो इंटीजर हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते नेचुरल नंबर्स में, तो ये नेचुरल नंबर x belongs to natural number है, तो 4 is only the natural number from the solution set, so our solution set will be plus 4 only. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, जैसे रूट का क्वेश्चन है, रूट 3x² + 10x + 7√3 = 0. अब यहां पर भी रूट 3 और यहां पर भी रूट 3 है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7√3 = 21 हो जाएगा. ठीक है, तो 21 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. अब 21 को फैक्टराइज इस तरह से करना है कि यहां पर जो टर्म है कितना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो √3 x² + 7x + 3x, 7 3 = 21 एंड 7 + 3 + 10x. ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, सो वी कैन कैरी ऑन. Here it will be 7√3 = 0. So from here we can take what is the common in these two terms. क्या common है इसमें? Here is the only one term is common, that is x. So we will take common as x. And here it will be √3 + 7. And further, what we can take common? We can take common √3. So here if √3 is common, then what will be remaining inside the bracket? It will be √3. Here it is x also. Okay. √3x + 7 = 0. Okay. Now in both the brackets, these terms are common. So we can take again common as √3x + 7 and x + √3. So by zero product rule we can write √3x + 7 = 0. Okay, or x + √3 = 0. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम लिख सकते हैं. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x = 7/√3 और x = -√3. So our solution set will be these two values. Solution set is equal to 7/√3 and √3. This is our solution set. So you have to solve these questions in this by this method. Here it will be negative sign because here it is positive. So when we cross the multiplication, cross the equal sign, then it will become negative. तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, -7/√3 and √3. Here it is also -3. Okay? तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये आपको कैसे मिलेगा सॉल्व करके इसी वे में. तो रूट अगर आए तो रूट आपको देखकर घबराना नहीं है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं बता रहा हूँ. फिर अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको कॉपी सबमिट करने के लिए कहा है, जो डेट मैंने बताया है 21 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, तो आप उसको सबमिट कर दीजिए. और ये चैप्टर के इससे इस तरह से जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5A, ठीक है, आपकी बुक में 5th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 5A के जो भी क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलते हैं, यू हैव टू सॉल्व इट आउट. सारे आपको सॉल्व करते रहने, अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.